दोस्तों क्रिकेट की नॉलेज तो आप सभी के पास है, लेकिन इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए रियल कैश प्राइज जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं विद ऑल न्यू माय 11 गुरु। दोस्तों सिंपल 3 स्टेप से आप जीत सकते हैं इंस्टेंट कैश प्राइजेस। सेलेक्ट करना है मनपसंद मैच, क्रिकेट के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बनानी है विनिंग टीम, और भाई अपनी सहूलियत से ज्वाइन करना है कॉन्टेस्ट, और इसके बाद आप जीत सकते हैं एक विनिंग कैश प्राइज। तो दोस्तों फटाफट से प्ले स्टोर पे जाएं और माय 11 गुरु ऐप को अभी डाउनलोड करें। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों बिग बैश लीग का हमारा अगला मुकाबला ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स दोनों टीम्स होंगी आमने सामने इन द 13th मैच जो खेला जाएगा द गबा ब्रिस्बेन में, यानी कि ब्रिस्बेन के होम ग्राउंड पे भैया एडिलेड स्ट्राइकर्स पे गिरेगी गाज, या फिर एडिलेड स्ट्राइकर रहेगी अनबीटन क्योंकि भैया 3 मुकाबले खेल चुकी है और तीनों ही मैचेस जीते हैं, पॉइंट्स इनके 6 नेट रेट है +3.113 का। ऑन दी अदर हैंड बात करी जाए भैया ब्रिस्बेन हीट की तो नीचे से दूसरे पायदान पे बैठे हैं, 2 मुकाबले खेल चुके हैं, दोनों हारे हैं, नेट रन रेट है -0.729 का। तो हाल फिलहाल देखना होगा दिलचस्प कि क्या ब्रिस्बेन हीट होगी वो टीम जो एडिलेड स्ट्राइकर्स को पहली मात इस सीजन की देती नजर आएगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द गबा ब्रिस्बेन की, यानी कि पिच रिपोर्ट की। 50 मुकाबले T20 फॉर्मेट के ट्रैक पे खेले जा चुके हैं, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 23 बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम 26 बार जीती है, एक मैच टाई रहा है। एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो 165 का एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का नजर आता है। हाईएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो वो है ब्रिस्बेन का 209 रन, और लोएस्ट स्कोर भी कोइंसिडेंटली ब्रिस्बेन का है 90 रन। अब फटाफट से स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, 150 से नीचे का स्कोर 15 बार बनाया गया है, 150 से 170 के बीच का स्कोर 12 बार बनाया गया है, 170 से 190 के बीच का स्कोर 13 बार बनाया गया है, और 190 के ऊपर का स्कोर 10 बार बनाया जा चुका है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर 170 180 स्कोर करा जा सकता है अगर हम बात करें दोनों टीम्स के लाइनअप की। खैर उससे पहले हम देख लेते हैं दोनों टीम्स का हेड टू हेड कंपैरिजन। भाई 16 मुकाबले ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच हुए हैं, 7 मुकाबले हीट ने जीते हैं तो वहीं 9 मुकाबले एडिलेड ने अपने नाम करे हैं। लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों 2 मुकाबले ब्रिस्बेन हीट ने जीते हैं और 3 मैचेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के नाम रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स का ही अभी तक बोलबाला नजर आता है। वेल टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की पहले बात कर लेते हैं। भाई यहां पर मैक्स ब्रायन, कॉलिन मुनरो, मैट फ्रेंशॉ, सैम बिलिंग्स, जिमी पियर्सन, रोज विटली, माइकल नेजर, जेम्स बेसली, मार्क स्टेकिटी, मैथ्यू कोहनमन और मिचेल स्वेप्सन खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों बैटिंग लाइनअप के लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ खिलाड़ी अभी तक डिसेंट प्रदर्शन करते नजर आए हैं, जिमी पियर्सन ने शानदार बल्लेबाजी करी है और बैक टू बैक रन स्कोर करने की कोशिश करी है, 88 रन पियर्सन के नाम रहे हैं। वहीं कॉलिन मुनरो के हाथ लगे हैं 2 मुकाबलों में 43 रन। सैम बिलिंग्स ने पिछले मैच में रन स्कोर करने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन बड़ी पारी खेलने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे, 2 मुकाबलों में 31 रन इनके खाते में आए। तो बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं संघर्ष करता नजर आया है जिसका फायदा उठा सकता है एडिलेड स्ट्राइकर्स का बॉलिंग अटैक जो कि काफी धाकड़ नजर आता है, जिसके बारे में करेंगे बात थोड़ी देर में। पहले बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट के बॉलिंग अटैक की। दोस्तों यहां पर माइकल नेजर ने रेनिगेड्स के खिलाफ भैया तबाही मचाई थी, 4 विकेट अपने खाते में जोड़े थे, साथ ही साथ मार्क स्टेकिटी ने दोस्तों 3 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं इन 2 मैचेस। मैथ्यू कूनमैन के भी रिकॉर्ड डिसेंट नजर आते हैं विद 3 विकेट। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसे खिलाड़ी जो खेल सकते हैं ब्रिस्बेन हीट के लिए एक उम्दा पारी। वहीं अब बात करी जाए एडिलेड स्ट्राइकर्स की तो दोस्तों यहां पर बड़े नाम दिखाई देते हैं जो कि इस शॉर्टर फॉर्मेट को कहीं ना कहीं रूल करते नजर आते हैं, मैथ्यू शॉर्ट, क्रिस लिन, एडम हॉस, कॉलिन डी ग्रैंडहोम। दोस्तों ये कुछ ऐसे 4 बल्लेबाज हैं जिन पर आप एक बार फिर करेंगे भरोसा क्योंकि यहां पर शॉर्ट रहे 3 मैचेस में 158 रन जोड़ दिए हैं, क्रिस लिन के हाथ लगे हैं 105 रन, एडम हॉस ने 72 रन बनाए हैं इन 3 मैचेस, कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने बनाए हैं 52 रन और साथ ही साथ चटकाए हैं 2 विकेट। तो ये 4 खिलाड़ी आप अपने जहन में रखें। साथ ही साथ अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो 3 बॉलर्स आप इस टीम से चुन सकते हैं। पहले होंगे भैया हेनरी थॉर्टन जो कि फुल थ्रॉटल के साथ 3 मैचेस में 11 विकेट चटका चुके हैं। राशिद खान की बात अगर करी जाए तो 4 विकेट इनके खाते में आए हैं 2 मुकाबलों में, वहीं वेस अगर ने भी 3 मैचेस में 4 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 3 उम्दा गेंदबाज जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से। अब भाई लोग अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो डेफिनेटली एडिलेड स्ट्राइकर्स ज्यादा बेहतर और बैलेंस्ड टीम नजर आती है और इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार भी है। लेकिन भाई लोग आपके लिहाज से क्या एडिलेड स्ट्राइकर्स को इस सीजन में पहली मात देती नजर आएगी ब्रिस्बेन हीट? जवाब कमेंट सेक्शन में दें और देखें कि आखिर किसका पलड़ा कमेंट सेक्शन में भारी होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।